दोस्तों आज 24 मई 2022 को एन लिमिटेड के क्वार्टर फोर के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है यह इस कंपनी का कॉन्सोलीटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर मिलियन से बताए गए हैं एक्सेप्ट टर्निंग पर शेयर क्वार्टर फोर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तीन करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये तीन करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फोर में ये दो करोड़ था तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर साढ़े की बढ़त है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये ढाई परसेंट गिरा है क्वार्टर फोर में टोटल इनकम तीन सौ सतासी करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये तीन सौ चौरानवे करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर फोर में ये दो सौ नवासी करोड़ था तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम में लगभग चौंतीस परसेंट की बढ़त है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग दो परसेंट गिरा है क्वार्टर फोर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम अड़सठ करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये छिहत्तर करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर फोर में ये बासठ करोड़ था तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग साढ़े दस परसेंट बढ़ा है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग ग्यारह परसेंट गिरा भी है क्वार्टर फोर में इस कंपनी का नेट प्रॉफ़िट एट्रिब्यूटेबल टू ऑनर्स सड़सठ करोड़ सैंतीस लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये चौवन करोड़ छियानबे लाख था और प्रीवियस ईर क्वार्टर फोर में ये छियालीस करोड़ इक्यावन लाख था तो नेट प्रॉफ़िट तो एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 45 परसेंट की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग साढ़े बाईस परसेंट बढ़ा है क्वार्टर फोर में इस कंपनी का डायलूटेड अर्निंग पर शेयर चार रुपये अठासी पैसे जो प्रीवियस क्वार्टर में ये चार रुपये था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर फोर में ये तीन रुपये इक्कीस पैसे था तो अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग बावन की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर इन क्वार्टर देखें तो ये बाईस परसेंट बढ़ा है क्वार्टर फोर में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बीस परसेंट है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये लगभग इक्कीस परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फोर में ये लगभग पच्चीस परसेंट था तब देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर थोड़ा दबाव है क्वार्टर फोर में इस कंपनी के पैट का मार्जिन अट्ठारह परसेंट है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 14.3 परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फोर में ये 16.7 परसेंट था तो पैट का मार्जिन तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरा है लेकिन इस कंपनी का पैट और ई पी एस ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर इन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरा है लेकिन इस कंपनी के पैट का मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है तो मुझे इस कंपनी के रिजल्ट थोड़े मिले जुले से लग रहे हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें बहुत बहुत धन्यवाद